प्यार को किसी तराजू में नहीं तोला जा सकता, किसी नियम कानून इन सब बंधनों में भी नहीं बांधा जा सकता। प्यार किसी गारंटी या वारंटी के साथ नहीं आता, ना ही किसी एक्सचेंज वैल्यू के साथ आता है। हाँ, लेकिन प्यार में इम्तिहान बहुत से देने पड़ते हैं, और मेरे लिए तो प्यार के मायने बहुत ही बड़े हैं, क्योंकि मैं ना सिर्फ अपने पति से प्यार करती हूँ, बल्कि अपने पूरे परिवार से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पापा ने कुछ गलतियाँ। क्यों? क्यों गई थी उसे मिलने? बोल। मैं खुद मिलने नहीं गई थी, वो आई थी मुझसे मिलने, और आपने तो कहा था कि आपका उससे कोई संबंध नहीं है। आपने झूठ कहा था मुझसे। मुझसे सवाल पूछने का हक नहीं है तुम्हें। तुम्हारा हक सिर्फ इस घर में है। घर के बाहर मैं क्या करता हूँ, किससे मिलता हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इट्स नॉट योर बिजनेस। और खर्चा उठा रहा हूँ ना, नखरे नहीं उठाने वाला। लेकिन मैं ये कैसे भूल जाऊं कि उन्होंने मुझे तुम जैसा बेटा दिया है, जो अपनी माँ को इतनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। बहुत मेहनत की है मैंने, इस ईंट पत्थर के मकान को घर बनाने के लिए। मेरा घर। और सबसे बड़ी बात यह है रणबीर, कि तेरे पापा भले ही बाहर से बहुत सख्त दिखते हों, लेकिन तुझे बहुत प्यार करते हैं बेटा। वो दिखाएं चाहे ना दिखाएं, लेकिन किसी को भी तेरे अगेंस्ट एक शब्द नहीं बोलने देंगे। ऐसा कुछ नहीं है माँ। ऐसा ही है। समय आने पर तुझे सब पता चल जाएगा रणबीर। तो सच है कि तुम्हारी माँ के साथ मेरा रिश्ता था, और तुम उस रिश्ते की नाजायज औलाद हो, नाजायज पैदाइश हो, लेकिन मैं इस रिश्ते को नाम नहीं दूंगा। उन पेपर्स पे साइन करके मैं तुम्हारे और मेरे रिश्ते को जायज नहीं बनाऊंगा। मेरा सिर्फ एक ही वारिस है, जिसका नाम है रणवीर ओबेरॉय, और उसके बराबर मैं तुम्हें कभी भी खड़ा नहीं करूंगा अंश। मेरा घर, मेरी जायदाद, मेरा बिजनेस, इस पे सिर्फ एक ही इंसान का हक है, जिसका नाम है रणवीर ओबेरॉय, और ये हक मैं किसी और के साथ नहीं बांटूंगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं अपने घर की खुशियां तुम्हारे साथ कभी शेयर नहीं करूंगा अंश। तो फिर जो बात आज तक आप दुनिया से छुपा रहे थे, वो मुझे सबको बतानी होगी। और ये मत भूलिए कि मेरी रगों में आप ही का खून दौड़ता है, और उसे मैं साबित भी कर सकता हूं। रिश्तों के ऊपर कोई किताबें नहीं लिखी जाती रणबीर, उसे जी जी कर समझना पड़ता है। तू दिल का बहुत सच्चा है रणबीर, बहुत अच्छा है, लेकिन रिश्ते निभाने तुझे भी नहीं आते। आप कहना क्या चाहती? मैं तेरे और सुहानी के रिश्ते के बारे में कहना चाहती हूँ। प्यार का रिश्ता ना सच और विश्वास, इन दो ईंटों पर टिका होता है, और एक भी ईंट हिलनी नहीं चाहिए। अगर तू सचमुच सुहानी से प्यार करता है ना, तो जाकर उसे बता दे कि उस दिन तू मंडप पे क्यों लेट आया था। नहीं मां, मैं एक रिश्ते को जीतने के लिए दूसरा रिश्ता हार नहीं सकता हूं। मैं दुनिया की नजरों में आपको नहीं गिरा सकता। जब मेरी कोई गलती ही नहीं है, तो दूसरों की नजरों में गिरने का डर भी नहीं है मुझे रणबीर। देख, मुझे लगता है तुझे सुहानी को सब कुछ बता देना चाहिए। वो तुझसे प्यार करती है, तुझे समझती है रणबीर, और मुझे नहीं लगता कि ये सब जानने के बाद वो मेरी डिसरिस्पेक्ट करेगी। नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है उसके बाद वो तुझे और समझेगी, मुझे और समझेगी, और तेरी रिस्पेक्ट ज्यादा करेगी। अगर तू खुद अपने मुंह से ये बात बताएगा, शी विल रियली रिस्पेक्ट यू।
तुम जिस दिन मुझे मंडप में ना आने की वजह बता दोगे उस दिन मुझे अपने साथ पाओगे रणवीर। शायद आप ठीक कह रही हूँ, मैं आज ही जाके सुहानी को सब कुछ सच सच बता देता हूँ। जिसे बताना है बताओ, आई डोंट केयर। मेरे वारिस बनने के सपने देखना बंद करो, डोंट ड्रीम। काइंड इंफॉर्मेशन फॉर द लास्ट टाइम, मेरा वारिस सिर्फ और सिर्फ रणवीर ओबेरॉय है, तुम नहीं। एक बात तो आपने साबित कर दी, ये आप दिखाते कुछ भी हो लेकिन आप अपने रणवीर से प्यार बहुत करते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और आपकी इसी कमजोरी का मैं फायदा उठाकर सबसे बड़ा दांव चलूंगा। तेरे पासपोर्ट वाले पेपर्स के लिए विक्रांत ओबेरॉय की साइन तुझे कभी नहीं मिलेगी और आज के बाद तो विक्रांत ओबेरॉय के आसपास खड़ा हुआ भी दिखाना तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं रह पाएगा। तू चाहे जो कर ले, एक बात हमेशा अपने दिमाग में रख, तू ओबेरॉय खानदान का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। तू क्या मुझे बाप के नाम का लेक्चर दे रहा है? तूने तो इस रिश्ते को गाली बना कर रखा है। तूने कितनी इज्जत देता है, कितना प्यार करता है, वो तो कई बार देखा है मैंने। मेरी लाइफ आपकी बिल्डिंग का कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे। चल एक काम करते, हम दोनों मिलके हाथ मिला लेते, क्योंकि उस इंसान ने तेरी माँ और मेरी माँ दोनों को धोखा दिया। तेरी औकात नहीं है मुझसे हाथ मिलाने की। और रही बात विक्रांत ओबेरॉय की, तो माना मेरे रिश्ते उनसे अच्छे नहीं, लेकिन वो मेरी माँ के पति, प्यार करती है मेरी माँ से। आज के बाद अगर तूने उन्हें परेशान किया तो तुझे तेरे सामान के साथ उठाकर सड़क पे फेंक दूंगा। चल निकल यहां से।
मुझे लगता है तुझे सुहानी को सब कुछ बता देना चाहिए। वो तुझसे प्यार करती है, तुझे समझती है रणवीर, और मुझे नहीं लगता कि ये सब जानने के बाद वो मेरी डिसरिस्पेक्ट करेगी। नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है उसके बाद वो तुझे और समझेगी, मुझे और समझेगी, और तेरी रिस्पेक्ट ज्यादा करेगी। अगर तू खुद अपने मुंह से ये बात बताएगा, शी विल रियली रिस्पेक्ट यू। सुहानी, मैं आ रहा हूं। मीता, सुहानी को देखा? रणवीर, मैं खुद भी उसे कब से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है। रणवीर, क्या हुआ, सुहानी मिली? नहीं यार, पूरा क्लासरूम देखा लेकिन कहीं नहीं हो। कहाँ सकती है सुहानी? सुहानी कहाँ हो तुम? कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। रिलैक्स रणवीर, मैं माँ से मिलने आई हूँ। ओह, जल्दी कॉलेज आ जाओ, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, मैं तुम्हारा कॉलेज ग्राउंड में वेट कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, कॉलेज के गेट पर पहुंचते ही मुझे फोन करना, ओके? अच्छा बाबा, फोन रखोगे तभी तो जल्दी निकलूंगी। ओ, हाँ। माँ, मैं ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करकर आई हूँ, अब कुछ नहीं खा सकती हूँ। अरे माँ के हाथ का एक पराठा खा लेगी तो मोटी नहीं हो जाएगी। अच्छा ठीक है, खा लूंगी, पहले आप बैठो, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। सुहानी बेटा, बात क्या है? ये मेरा पासपोर्ट है माँ, प्लीज इसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लो। हाँ, बट हुआ क्या, क्या बात हुई है? सुहानी बेटा, जल्दी बता बात क्या है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं कहीं अंश ने फिर से तुझे। हाँ, मैंने अंश से जबरदस्ती शादी तो कर ली, पर मैंने उसे कभी अपने मन से या दिल से पति माने ही नहीं, और ना ही हमारे बीच पति पत्नी जैसा कुछ है। पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया, वो मुझे हनीमून पे मॉरिशस से जाने की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ रणवीर है रोकने के लिए, लेकिन एक बार हम मॉरिशस पहुंच गए। मॉरिशस क्यों जाएंगे हम? हनीमून के लिए। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती माँ, और मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, इसीलिए माँ ये पासपोर्ट मैं आपके पास रखने आई हूँ। ठीक बेटा, तुझे फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अंश ना तुझसे किसी भी मामले में जबरदस्ती नहीं कर सकता, तेरे पापा भी कह चुके हैं ना कि तुझे इस रिश्ते के बंधन को निभाने की कोई जरूरत नहीं है। गुस्सा आ रहा है मुझे, वो तो अच्छा हुआ कि तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए रणवीर तुझे अपने घर ले गए। आज के जमाने में कौन करता है ऐसा? हाँ, शादी के दिन वो वक्त पर नहीं पहुंचा, ये उसकी गलती थी, लेकिन जितना प्यार रणवीर तुझसे करता है ना, उतना प्यार दुनिया में शायद ही कोई किसी से करता होगा। स्वानी, तेरी माँ एकदम सही कह रही है, पुत्र रणवीर हीरा हीरा, वो छड़ ना उस खसमानु खाने अंशनु। पुत्र, तेरा दिल जो कहता है ना उसकी सुन। हाँ बेटा, तेरे इस फैसले में ना
हम सब तेरे साथ। नहीं हमें दुनिया वालों की फिक्र है और ना ही तुझे उनके बारे में सोचने की जरूरत। तुमने बताया नहीं तुम घर आई थी। हाँ वो बस माँ से मिलने का मन हो गया था तो उनसे मिलने चली आई। कोई बात नहीं बैठो मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ। क्या हुआ क्लासेस अटेंड नहीं करनी क्या? बैठो अंश, मुझे कॉलेज के लिए देर हो गई है। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? बस दो मिनट रुको, मैं अभी आया कुछ काम। अंश, एक काम करो, तुम अपना काम खत्म कर लो, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। क्यों? इतनी क्या जल्दी है? कोई तुम्हारा वेट कर रहा है क्या? बोला ना दो मिनट। ये जो पेपर्स हैं सामने मैम खड़ी है ना उनको दे दें, उनसे कहना आज सर के लिए। ओके सर। सुहानी कुछ सच है जो तुम्हें जान लेना चाहिए। हेलो मैम, ये अंश जी के काम के पेपर हैं, आप उन्हें दे देना। रणवीर का फोन अभी उठाया और अगर उसको पता चल गया कि मैं अंश के साथ हूँ तो बहुत गुस्सा करेगा। उसको मिलके बता दूंगी क्यों लेट हो गया। विक्रांत अंकल का बेटा है और आशा आंटी उनकी। अंश, ये सब क्या है? वो लड़का कहाँ गया? और उसने ये पेपर्स तुम्हें क्यों दिए? सुहानी, मुझसे बिना पूछे तुमने ये पेपर्स क्यों पढ़े? वो सब छोड़ो, क्या ये सच है? ये तुम ही पता करो क्या सच है और क्या झूठ।